नमस्कार, मैं नाम भोला कुमार सोनार है और मैं पनवेल शहर के खारघर में सेक्टर 11 में रहता हूँ। यदि आज हम बात करें कि पूरे देश में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि में आज हमें बदलाव की ज़रूरत है। जिस प्रकार से लोगों का रेसिडेंस प्रूफ के तौर पर या डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स से रिलेटेड पैन कार्ड है, वोटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके हिसाब से उनके पास इलेक्शन आई कार्ड है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, वो 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या PhD गया है या कोई डिप्लोमा या डिग्री लिया है, तो हर भारतीय का एक एजुकेशन कार्ड बनना जरूरी है। एजुकेशन कार्ड से क्या होगा कि उसका जो एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होंगे। सो कल के दिन यदि उसको किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड यदि उसको जॉब या कोई प्रोफाइल की ज़रूरत होती है, तो उसको केवल कार्ड नंबर आपको देना है। जैसा आप लोन के लिए जाते हैं तो आपने पैन कार्ड नंबर देते हैं, तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है कि आपने कितना कमाया है, कितना नहीं कमाया, कब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, नहीं किया। तो ठीक इसी प्रकार आपका एजुकेशन कार्ड भी काम करता है करेगा। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से हर व्यक्ति का एक हेल्थ कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड में इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसके अंदर उन्हें उनके हेल्थ की हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि लोगों के पास कोई हेल्थ की हिस्ट्री का कोई फाइल तो होता नहीं है, ना ही उन्हें याद होता है। तो यदि आपके पास हेल्थ कार्ड है तो जन्म से लेके मृत्यु तक आपके साथ जो भी ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो आयुष वे ऑफ ट्रीटमेंट हो या आपका एलोपैथिक हो, जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी आपका ट्रीटमेंट करने वाला हो, आपका डिटेल फिल कर देगा। तो जब कभी आप कभी डॉक्टर या हॉस्पिटल भी या शहर भी बदलते हो, आप जब बीमार पड़ते हो तो हेल्थ कार्ड से पता चलता है कि आपका हेल्थ हिस्ट्री क्या है, तो उससे आपको ट्रीटमेंट मिलने में आसानी मिलेगी। और दोनों ही कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है हर भारतीयों के लिए हेल्थ कार्ड और एजुकेशन कार्ड बनाने की। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे सुना। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए ताकि लोगों तक इस बारे में एक प्रचार हो, लोगों को इस बारे में पता चले और भारत सरकार को इस बारे में पता चले, जिससे वो इस पे कुछ कार्य करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो पूर्ण तक देखा। मेरा नाम भोला कुमार सोनार है और मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल शहर के खारघर में सेक्टर 11 में रहता। थैंक यू वेरी मच।